डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, लुसेन हिस्ट्री में से मध्यकालीन भारत का इतिहास का आपका क्लास वन हो चुका है, जिसमें से आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ाया गया। तो आज आपका क्लास टू है, जिसमें से भक्ति और सूफी आंदोलन, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो फटाफट आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइएगा और ये क्लास आपका रात 8 बजे होती है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। तो एक का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गोल गुंबद क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे, सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो दूसरे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोल गुंबद क्या है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान महमूद आदिल शाह का मकबरा, ये ध्यान में रखना है। और ये जो मकबरा है बीजापुर है, कर्नाटक में स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है कि गोल गुंबद कहाँ है, ये आपका बीजापुर कर्नाटक में ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। फटाफट से आंसर करेंगे, चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो तीसरे का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। फटाफट से आंसर करेंगे, इससे पहले आपका टोटल 5 क्लास हो चुका है प्राचीन भारत का इतिहास। अगर आपने प्राचीन भारत के इतिहास के 5 क्लास को नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी के पीडीएफ भी आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चौथे का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, तो अरब के विजय, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे और याद रहे आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है। चलिए, तो 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली, तो दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327, इस डेट को याद रखना है, 1327 में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, यह भी ध्यान में रखना है। दौलताबाद को ही देवगिरी के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ये जो देवगिरी है इसको ही दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। और कब किया था, तो 1327 ईस्वी में क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तो दौलताबाद, जिसको देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है। फटाफट से आंसर करेंगे 6 के लिए, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 6 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, क्या देगा, किताब उल हिंद, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हम्पी किसके लिए जानी जाती है। फटाफट से आंसर करेंगे 7 के लिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 7 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, हम्पी किसके लिए जानी जाती है, तो यहाँ विजयनगर की राजधानी थी हम्पी में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, ये भी प्रश्न एग्जामों में आ चुका है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, हसन गंगू। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, इस डेट को भी याद रखना है, 1347 में हुई थी, किसने किया, हसन गंगू ने। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? फटाफट से आंसर करेंगे 10 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 10 का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कहाँ थी तो दिल्ली, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इल्तुतमिश जो है, ये भी ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश भारत का पहला सुल्तान था जिसे खलीफा ने मान्यता दी थी, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। सभी प्रश्न को अच्छे से कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जैसे ही फिर आपका इसका मध्यकालीन भारत का इतिहास का क्लास समाप्त होगा, फिर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी आंसर के साथ। तो 11 जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, याद रखिएगा हम्पी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? फटाफट से आंसर करेंगे 12 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय रूढ़ीवादी था? फटाफट से आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़ीवादी था? चलिए तो इसका जो राइट आंसर है डी के साथ चला जाएगा, नक्शबंदी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब की बार पूछा जा रहा है, दिल्ली से आगरा में स्थानांतरण की थी, फटाफट से बताएंगे कौन सुल्तान है वो। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 14 का किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था जिसने बिहार और पश्चिम बंगाल को भी जीता था, ये भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 15 के लिए। और सेशन को पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा होने वाला है, और हर रोज सेशन को अटेंड करना है। तो 15 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, 1398 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फारसी यात्री अब्दुल जर्राक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फटाफट से आंसर करेंगे। फारसी यात्री अब्दुल जर्राक भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर है 16 का सी के साथ चला जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। चलिए तो 17 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गोरी वंश, याद रखिएगा गोरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था, कौन कौन से चलिए उनको भी बता देते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आपका है मामलुक वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है, इन्हीं 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्या किस भाषा में लिखी गई है? फटाफट से आंसर करेंगे 18 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है, तो 18 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तेलुगु भाषा में ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए तो 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा, 12वीं शताब्दी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए कुतुब मीनार से संबंधित 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है 1192 ईस्वी में, यह ध्यान रखना है 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया था, जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, यह भी ध्यान में रखना है। और कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्नों को याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए एक बार रिपीट फिर से कर देते हैं, सबसे पहले क्या था कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया, 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका इस कार्य को पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने, लेकिन कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए।
चलिए तो 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? फटाफट से आंसर करेंगे कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था कौन सा विजयनगर का साम्राज्य का शासक? तो 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है अम्फोसो डी, इसका पूरा नाम है अम्फोसो डी अल्बुकर्क, ये भारत में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे, ये भी ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, आंसर करेंगे फटाफट से। तो याद रखिएगा विजयनगर के कौन शासक थे? तो वेंकट द्वितीय, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? फटाफट से 23 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 23 का जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चलिए 24 के लिए आंसर करेंगे। आपका टाइम खत्म होता है, तो 24 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? फटाफट से आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ए के साथ चला जाएगा, ये कहाँ है? तो राजस्थान में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए तो 26 का जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, मंगोल सेना, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अमरोहा का युद्ध भी याद रखना है, ये पूछा जाता है, तो इसका पूरा डेट है 20 दिसंबर 1305 में अमरोहा का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? फटाफट से आंसर करेंगे 27 के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए तो इसका जो सही जवाब है बी के साथ चला जाएगा, किसने? महमूद गजनी ने, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? आंसर करेंगे 28 के लिए, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा, गुलाम राजवंश, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताएंगे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। खालिस्तान के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, कब से कब तक की अवधि के मध्य भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा 30 का जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य की अवधि जो है ये भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तैमूर द्वारा खालिस्तान किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण के को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे 31 के लिए, बताना है किस ईस्वी में दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ था तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो आक्रमण हुआ था तैमूर द्वारा, 31 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 1398 में, याद रखिएगा तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ था तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 32 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? इंपॉर्टेंट और कतई जहर प्रश्न है, आंसर करेंगे 32 के लिए फटाफट से। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर करेंगे फटाफट से।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, खिजर खान। याद रखिएगा सैयद राजवंश की स्थापना खिजर खान, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा सैयद वंश दिल्ली का चौथा वंश था, यह भी ध्यान में रखना है कि सैयद जो वंश है यह दिल्ली का चौथा राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खाली स्थान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुके हैं, फटाफट से आंसर करेंगे 34 के लिए। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, रजिया बेगम, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। आंसर करेंगे 35 के लिए। चलिए याद रखिएगा रामानंद थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खाली स्थान के नाम पर रखा गया है। फटाफट से आंसर करेंगे कि कुतुब मीनार का जो नाम है ये किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है, फटाफट से आंसर करेंगे 36 के लिए। चलिए तो जो भी बच्चे लाइव चैट में 36 का सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य पर अहम वंश का शासन था। आंसर करेंगे 37 के लिए। चलिए तो याद रखिएगा भारत के किस राज्य पर अहम वंश का शासन था, तो असम। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी राजधानी दिसपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। आंसर करेंगे 38 के लिए। चलिए तो 38 का जो राइट आंसर है किसके साथ चलेगा, डी के साथ चलेगा, खिजर खान। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 में, इस डेट को भी याद रखना है। किस वंश की स्थापना की, तो सैयद वंश की, खिजर खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जयपाल। याद रखिएगा जयपाल ने ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा और किस लड़ाई में, यह भी पूछा जाता है, तो पेशावर की लड़ाई में, जो कि हुआ था 27 नवंबर 1001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। आंसर करेंगे 40 के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। फटाफट से आंसर करेंगे, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, तो इसका जो राइट आंसर है डी के साथ चला जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी। आंसर करेंगे, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चलेगा, कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हौज ई सुल्तानी एक खाली स्थान है, क्या है। आंसर करना है, चलिए तो याद रखिएगा ये आपका एक बड़ा जलाशय है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ये कहाँ है, तो कर्नाटक में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है, खाली स्थान का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, कौन सा गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो इसका जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा बीजापुर। याद रखिएगा बीजापुर का जो गोल गुंबद है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये गुंबद का निर्माण 1626 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और पूरा 1656 ईस्वी में हुआ था। तो आज के सेशन में मध्यकालीन भारत के इतिहास से टोटल 45 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया, उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।